आज मैं जैसे ही रोटी बनाई, रोटी देखकर मेरा बच्चा रोने लगा और बोलने लगा आज फिर से रोटी सब्जी, वही रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गया हूँ मैं। मैं बोली चलो ठीक है, रोटी से ही कुछ ट्राई करते हैं, न्यू रेसिपी, तो आप लोग देखिए क्या मैं ट्राई करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बचे हुए रोटी से कुछ स्पेशल डिश। तो आप लास्ट तक देखिएगा जरूर वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं। तो चलिए देखते रहिए मेरे वीडियो को और इंजॉय कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जनरली इतना सारा रोटी नहीं बचता है हमारे घर में। आज मैं ज़्यादा रोटी जानबूझकर बनाई थी क्योंकि मुझे रेसिपी बनाना था ना। ये जो रोटी है इसको मैं पतला पतला कट करूंगी और ये जो वेजिटेबल्स है इसको भी मैं अच्छा से यहाँ पे कट कर लूंगी। अभी तो मैं धो के रखी हूँ, बस इसको भी सबको कट करना है। तो चलिए अब रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इससे इस तरह से इसको हम कट करेंगे पतला पतला। पहले हम इसको ऐसे तीन भाग में से कर लेंगे, अब इसको हम ऐसे पतला पतला कर लेंगे कि खाने में आराम हो। वैसे आप इसको लंबा लंबा भी काट सकते हो पर मैं इसको इस तरह से इसलिए काट रही हूँ ना कि खाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे, हम चम्मच से खा सके आराम से, कांटा वाला चम्मच का जरूरत ना पड़े फोक का, तो इसलिए मैं ऐसा काट रही हूँ। आपको अगर ऐसा देखिए कटने का मन होगा ना एकदम नूडल जैसा तो ये भी आप काट सकते हो ऐसे, देखो इस तरह से, इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हो। पर इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो खाने में कंफर्टेबल होगा। चलिए फिर मिलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं रोटी को इस तरह से कटिंग कर ली हूँ सारा रोटी को, और यहाँ पे सब्जी भी कटिंग हो चुका है। यहाँ पे मैं सॉस ली हूँ, टोमेटो सॉस और सोया सॉस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास मैगी मसाला हो ना, मैजिक मसाला, तो भी आप डाल सकते हो इसमें, पर मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, तो भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालने के बाद लहसुन और हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी देर भुनने के बाद लास्ट में गाजर डालकर फ्राई करना है। तो अब यहाँ पे शिमला मिर्च इसमें ऐड कर लेते हैं। शिमला मिर्च भी थोड़ा फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर गाजर डालेंगे। अगर आपके पास ओरिगैनो होगा जो पिज्जा में हम पिज्जा सीजनिंग में यूज करते हैं तो भी आप इसमें लास्ट में डालिएगा। इसको हम ढक देते हैं थोड़ा तो जल्दी पक जाएगा। ये फ्राई हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं नमक सबसे पहले। तो रोटी की क्वांटिटी जो है हमारा वो देख के ही मैं नमक डाली हूँ क्योंकि रोटी ज्यादा है। अब यहाँ पे चलिए डाल लेते हैं सॉसेस। यहाँ पे अब सोया सॉस डाल लेंगे। अब चलिए इसमें डाल लेते हैं ओरिगैनो एक चम्मच के बराबर। ओरिगैनो यहाँ पे मैं डाल ले रही हूँ। अब चलिए यहाँ पे डालते हैं आखिरी में रोटी। बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने एक बार और इसकी मतलब ये मैं बनाई थी घर पे खाई थी, तो मैं सोची कि चलो आज रेसिपी शेयर करती हूँ इसका, आप सबको अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि रोटी बच जाती है, समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, और बासी रोटी कोई खाना भी नहीं चाहता है, और ऐसा तो है कि बच्चे भी खा लेंगे। तो गैस को कम ही रखना है, बहुत फास्ट आँच नहीं रखना है गैस का। ये गया है तैयार, तो चलिए अब सर्व करते हैं इसको। ये हो गया तैयार, ये हो गया है तैयार। देखिए हमारा रेसिपी बनके रोटी से, आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। एंजॉय कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।